टुडे वी मेकिंग अ फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो। आज मैं पूरा दिन आपको कटिंग डाइट दिखाऊंगा पूरी। अभी मेरी कटिंग चल रही है, 7 दिन हो चुके हैं कटिंग को। आज मैं अपना फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो चलिए विदाउट एनी डिले, फर्स्ट मील ऑफ द डे आई एम हैविंग 50 grams ऑफ मूसली, 1 केला, 1 scoop ऑफ वे एंड 2 whole eggs। दिस इज हियर आई हैव अराउंड 1 केला, थोड़े बहुत अंगूर, 50 ग्राम म्यूसली एंड आई एम ऑल्सो हैविंग 1 scoop ऑफ वे विद इट और 20 ग्राम हनी। अभी अराउंड 12 बज रहे हैं। मैं इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं कहूँगा, मैं बस अपनी मील्स को जो है वो डिले कर रहा हूँ ताकि मेरे को एट द एंड ऑफ द डे भूख ना लगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ही इतना ज़्यादा खा लूँगा तो फिर रात तक ज़्यादा कैलोरीज नहीं बचेंगी मेरी। आज वैसे मेरा रेस्ट डे है, ओनली कार्डियो करूँगा मैं थोड़ा बहुत। आई एम ऑल्सो डूइंग 10,000 steps एवरी डे। माई कम्प्लीट फर्स्ट मील, 2 अंडे भी ले लिए मैंने साथ में। दिस इज वेरी लो इन कार्ब्स, वेरी लो इन कैलोरीज एज वेल। It's time to cook our next meal of the day. Very simple, very effective. And second or third meal दोनों same होती है, chicken and rice and some vegetables. ठीक है, और इसमें सिर्फ मुझे 4 ingredients चाहिए। सबसे main जो ingredients है वो तो chicken है। ठीक है, chicken को अच्छे से धो लेना क्योंकि उसमें काफी ज्यादा bacteria होते हैं जब भी आप दुकान से खरीद के लाते हो, तो make sure you wash it very clearly. ठीक है, इसको धो लिया मैंने और इसमें 3 और ingredients डालूंगा मैं। एक है ये जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर मैंने ये 2 नींबू काट के रखे। नींबू डालने से क्या होता है कि चिकन का जो टेस्ट होता है, चिकन का जो स्मेल होता है वो चला जाता है एंड काफी टेस्टी लगता है चिकन। तो मैं नींबू डाल दो, लेमन चिकन इसको नाम दिया मैंने, लेमन है ना, नींबू डाल दो। और जो फोर्थ और लास्ट इंग्रेडिएंट है वो चिकन मसाला, बहुत थोड़ा अमाउंट डालता हूँ मैं। तेल नहीं डालता इसमें किसी भी टाइप का, नॉन स्टिक पैन का यूज करता हूँ मैं तेल बिना, क्योंकि चिकन जो है वो अपना पानी रिलीज करता है तो चिकन अपने पानी में ही वो बॉइल हो जाता है। ये 20-25 मिनट में रेडी हो जाएगा। लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं यार तू हाउ डू यू ईट दिस, इतना कोई टेस्ट भी नहीं होता, हाउ डू यू ईट दिस। एंड मेरा आंसर हमेशा सेम रहता है, व्हेन यू सीरियस अबाउट योर गोल्स राइट, इवन दिस ब्लेंड बॉइल्ड चिकन विदाउट एनी मसाला और एनीथिंग विल टेस्ट गुड। अगर आप अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो, इट डजंट मैटर, टेस्ट तो मैटर ही नहीं करता। तो ये सो चिकन अब रेडी हो चुका है, काफी अच्छा दिख रहा है मेरे को, अब मैं इसको खाने जाऊंगा। सो हियर आई हैव माय सेकंड मील ऑफ द डे, 150 grams ऑफ कुक्ड चिकन, 250 grams ऑफ कुक्ड वाइट राइस एंड 100 grams ऑफ वेजिटेबल्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स, इसमें मशरूम एंड बीन्स है, दैट इज ऑल। हेलो गाइस, तो अभी हम अपने स्टेप्स कंप्लीट कर रहे हैं, 10,000 आई थिंक 4,000 हो चुके हैं। मैं अपनी मील लेके पार्क आ गया था थोड़ा वॉक करने के लिए, आज रेस्ट डे है, आई एम नॉट डूइंग एनी वर्कआउट, बट 10,000 steps कंप्लीट करूंगा मैं पूरे अपने हर रोज। गाइस, थर्ड मील ऑफ द डे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, सेकंड और थर्ड मील सेम होगी, सेम दिखाता हूँ आपको। 250 grams ऑफ राइस, यहाँ पे चिकन 150 ग्राम, बाकी 150 ग्राम वेजिटेबल्स और मैंने साथ में पपीता लिया है जस्ट फॉर बेटर डाइजेशन। मेक श्योर जब भी आप कोई हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो आपके आपके डाइट में वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ज़रूर हो क्योंकि आपके बेटर डाइजेशन में हेल्प करता है आपको। एंड आप योगर्ट भी ले सकते हो फॉर बेट गुड प्रोबायोटिक्स एज वेल, गुड बैक्टीरिया जिसको कहते हैं, तो आप योगर्ट भी ऐड कर सकते हो अपनी डाइट में। ये फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, पपीता एंड पाइनएप्पल, दीज फ्रूट्स आर वेरी गुड फॉर योर गट। सो अभी मैं ये थर्ड मील लेता हूँ एंड लेट्स मीट यू एट द फाइनल मील, चौथी मील हमारी लास्ट मील होगी। यस, हियर वी आर विद द लास्ट मील ऑफ द डे, सो दिस इज माई लास्ट मील। एक्सप्लेन करता हूँ क्या है इसमें। सो बेसिकली इसमें 50 ग्राम ओट्स है, ठीक है, एंड हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स जिसमें काजू, बादाम, किशमिश तीनों है एंड 1 केला है एंड 20 ग्राम हनी है। हनी थोड़ा नीचे है, आपको दिखेगा नहीं, मैं जब मिक्स करूँगा देन यू विल बी एबल टू सी इट। एंड इसमें आधा स्कूप वे ऐड किया है, मस्ट प्लीज। सो दिस विल बी माय लास्ट मील ऑफ द डे। अमेजिंग। एंड जब मैं ऑफिस जाता हूँ तब भी मैं इसी मील प्लान को फॉलो करता हूँ। उसमें जिम और ऐड हो जाता है, ऑफिस का काम और ऐड हो जाता है एंड कार्डियो आल्सो ऐड हो जाता है। 10,000 steps एवरी डे, कार्डियो एवरी डे, ऑफिस एवरी 5 days अ वीक एंड दीज मील्स एवरी डे। सो डोंट मेक एन एक्सक्यूज गाइस, गेट बिहाइंड योर गोल्स। अगर आप कंसिस्टेंट रहे विद प्रॉपर डिसिप्लिन, विद प्रॉपर डाइट, विद प्रॉपर स्किल सेट एंड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन, राइट, एंड keep on working
ईच डे ऑन योर गोल्स एंड यू विल अचीव इट वन डे। एंड कोई फैंसी चीज़ें स्टफ खरीदने की ज़रूरत भी नहीं है, सिंपल चिकन राइस। अगर आप चिकन नहीं खा सकते हो, आप सोयाबीन ऐड कर लो, आप पनीर ऐड कर लो, ठीक है। वेजिटेरियन मील भी मैंने बहुत सारे बना रखे हैं, मैं अभी और बनाऊंगा भी, क्योंकि ट्यूसडे को मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ, तो ट्यूसडे वाला भी आई विल रिकॉर्ड, ठीक है। तो उसके लिए भी आपका पूरा प्लान हो जाएगा। एंड मेक श्योर यू फॉलो दिस मील प्लान इफ़ यू आर ऑन अ कट। अगर आप बल्क पे हो तो थोड़ी बहुत क्वान्टिटी बढ़ा दो, दैट इज़ ऑल। कोई चेंज नहीं आता। वेन यू आर ऑन अ कट यू जस्ट ईट लेस क्वान्टिटी, वेन यू आर ऑन अ बल्क यू जस्ट ईट मोर क्वान्टिटी ऑफ द सेम फूड। एंड आई होप यू गाइस लव्ड दिस वीडियो एंड मेक श्योर यू फॉलो दिस डाइट प्लान एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।